भाइयों और दोस्तों, सखी सहेलियों, आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा आज खुशी हो रही है कि आज मैंने एक गाड़ी खरीदी है। जी हाँ, कार, वो भी गाड़ी नहीं, कार उसको बोलते हैं। तो आज मैंने एक कार खरीद ली है और ये रहा वो कार, देख सकते हो आप लोग, सभी लोग देख सकते हो। उसका आधा पार्ट, नहीं, आधा का भी आधा दिया है क्या, आधा पार्ट मिल गया है मुझे। जैसे पूरा फुल पेमेंट करूंगा, पूरा मिल जाएगा। ये गाड़ी कैसी है इसको आप लोग बता दीजिए, और फिर इसमें क्या क्या मैं करवाऊँ उसको बता दीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, गाड़ी लिया हूँ भाई, नई ताज़ी, अभी मतलब तुरंत नई गाड़ी लिया हूँ, तो इसके लिए बधाई भी मुझे अच्छे खासे चाहिए, बधाइयाँ मिलनी चाहिए मुझे। और फिर ये कोई नॉर्मल कार नहीं है, ये हीरो होंडा, बुलेट, साइकिल और फिर उसके बाद हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, इन सभी चीज़ों से महंगी है। तो कैसी है बता दीजिएगा आप लोग। और ये आधी पार्ट कैसे दिया है मुझे समझ नहीं आ रहा, लगता है पूरा फुल पेमेंट देने के बावजूद भी आधी दे दिया, कि आधी का भी आधी दिया है। नमस्कार दोस्तों और दोस्तियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग टाउन हॉल 9 के लिए चार बहुत ही बढ़िया स्पेशल वाली अटैक स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। इन चारों अटैक स्ट्रेटजी में से आप चाहे जो भी फॉलो कर सकते हैं। दो ग्राउंड के लिए रहेगा और दो एयर यानी कि दो हवाबाजी अटैक रहेगा, तो जो भी आपको मन करे उसको सीख सकते हैं। और फिर अगर आप लोग इसमें से कोई भी अटैक स्ट्रेटजी सीख जाते हैं तो इतना अच्छा अटैक करेंगे कि लीडर भी आपको लीडरशिप दे सकता है। तो चलिए आज हम लोग टाउन हॉल 9 के लिए चार ऐसी अटैक स्ट्रेटजी को देखेंगे जिससे कि हम लोगों को लीडरशिप मिल सकती है। तो सबसे पहले हम लोग हवाबाजी अटैक स्ट्रेटजी यानी कि एयर अटैक की स्ट्रेटजी को देखेंगे, उसके बाद फिर गड्ढा वाली अटैक स्ट्रेटजी यानी कि ग्राउंड अटैक को देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो अपना जैब का लाइटनिंग स्पेल का अटैक चलता है उसको देखेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि इस टाइम अपना जो लाइटनिंग स्पेल है उसकी शक्तियों को कम कर दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ये अभी भी पावरफुल है। अगर टाउन हॉल 9 पर आप कभी भी जैप के साथ अटैक कर रहे हैं तो हमेशा ट्राई करिए कि जो मिडल में एयर डिफेंस है उसको निकालने की सबसे पहले कोशिश करिए, और जो लाइटनिंग स्पेल होता है उसको कभी भी किसी डिफेंस के ऊपर सीधे डिप्लॉय न कर दीजिए। उसके थोड़ा सा साइड में अगर आप लोग डिप्लॉय करते हैं तो साइड का भी जो रहता है डिफेंस वो भी फूट जाता है, और हम लोगों का बढ़िया उसका वैल्यू भी मिल जाता है। अब इसके बाद आप लोगों को साइड में फनलिंग के लिए जो बेबी ड्रैगन है उसको यूज कर लेना है, जिससे कि अपना जितना भी ड्रैगन और फिर इलेक्ट्रो ड्रैगन क्लैन कैसल में जो आप लेकर के जा रहे हैं सभी के सभी सीधे मिडल में आते चले जाएं। और एक साइड से आप लोगों को अपने हीरोज को भी रन कराना है, जिससे कि वो लोग भी बढ़िया से एक तरह से साफ करते चले जाएं। अब इसके बाद जो आप लोग रेज स्पेल यूज कर रहे हैं उसमें हमेशा ट्राई करिए कि अपना जो इलेक्ट्रो ड्रैगन आप लेकर के जा रहे हैं वो भी रेज स्पेल के अंदर आ जाए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर इलेक्ट्रो ड्रैगन को रेज स्पेल मिल जाता है तो वो पागलों के जैसा मारता है। तो इसीलिए हमेशा ट्राई करिए कि सभी के सभी ट्रूप्स थोड़ा साथ साथ चलेंगे, क्योंकि यूनिटी में पावर रहती है। अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मेरे हीरोज का लेवल भी उतना अच्छा नहीं था, और अभी हमारे पास इलेक्ट्रो ड्रैगन का हेल्थ और फिर ड्रैगन जो है उसका भी हेल्थ बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। तो बढ़िया परसेंटेज क्या, पूरा भाई साहब 3 स्टार है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि देखा जाए तो डिफेंस कुछ खास बेस में बचा नहीं है, आर्चर टावर बचा है, लेकिन इतना भी डैमेज नहीं दे पाएगा कि अपना इलेक्ट्रो ड्रैगन खत्म हो जाए और ड्रैगन भी खत्म हो जाए। तो कभी भी अगर आप लोग टाउन हॉल 9 पर जैप अटैक सीख रहे हैं या फिर अटैक कर रहे हैं अभी भी, तो वहाँ पर हमेशा ट्राई करिए कि जो बीच में हम लोगों का एयर डिफेंस है अपोनेंट का उसको निकालने की सबसे पहली कोशिश करिए, और फिर उस साइड से घुसिए जहाँ पर आप लोगों को अपोनेंट की क्वीन भी आसानी से मिल जाए जल्दी से जल्दी। साइड में आप लोगों को बेबी ड्रैगन और फिर हीरोज के साथ बढ़िया से फनलिंग कर लेना है, उसके बाद अपने ड्रैगन और फिर इलेक्ट्रो ड्रैगन को छोड़िए, जिससे कि सभी के सभी जितने भी ट्रूप्स हैं वो मिडल में आ जाए। और जो रेज स्पेल को आप लोग ले करके जा रहे हैं उसको हमेशा ट्राई करिए कि इलेक्ट्रो ड्रैगन भी उसके अंदर आ जाए, जिससे कि हम लोगों को बहुत ही बढ़िया वैल्यू मिलेगा उसका। और इस अटैक में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप लोग लाइटनिंग स्पेल को एयर डिफेंस के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं तो सीधे उसके ऊपर डिप्लॉय नहीं करना है, उसके थोड़ा सा साइड में करके करेंगे। अगर डिप्लॉय तो जो साइड का डिफेंस रहेगा वो भी फूटेगा,
और फिर जो अपना एयर डिफेंस रहेगा वो तो फूटे ही का ही, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम लोगों का लाइटनिंग स्पेल तो ख़त्म हो जाता है लेकिन एयर डिफेंस नहीं ख़त्म होता है। तो इसलिए हमेशा ट्राई करिए कि थोड़ा सा एयर डिफेंस के साइड में करिए, जिससे कि साइड का भी डिफेंस जाए और एयर डिफेंस भी जाए। ये तो रहा हमारा हवाबाजी अटैक की स्ट्रेटजी। अब हम लोग एक देखते हैं गड्ढा वाली अटैक की स्ट्रेटजी को, यानी कि ग्राउंड अटैक की स्ट्रेटजी। आप लोगों को यहाँ पर विच को लेकर के जाना है, यानी कि विच स्लैब स्ट्रेटजी है ये। अब इस अटैक को करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है कि जो अर्थक्वेक स्पेल को आप लेकर के जा रहे हैं वहाँ पर पहले से ही सोच लीजिए हम लोगों को कहाँ पर वॉल को ब्रेक करना है, उसको पहले ही आप लोग ब्रेक कर लीजिए। अब इसके बाद इस अटैक में हम लोगों को साइड में अपने विच को रख देना है। चार विच को रखने के बाद उस पर दो हीलर को रख दीजिए, बिल्कुल ऐसा है हम लोग इस साइड भी करेंगे। यहाँ पर हम लोग तीन विच को रखेंगे और फिर दोनों हीलर को भी रख देंगे, और साइड में अच्छे खासे फनलिंग के लिए यहाँ पर हम लोग बेबी ड्रैगन को भी यूज़ कर लेंगे। उसके बाद मिडल में आप लोगों को अपने किंग को छोड़ना है। किंग को पहले छोड़िए, उसके बाद क्वीन को छोड़िए, फिर जो क्लैन कास्टर में आप लोग वॉलकिरी को लेकर के जा रहे हैं वॉलकिरी को वहाँ पर छोड़िए। साइड में हल्की सी फनलिंग अगर ठीक ठाक रहेगी हम लोगों की तो जितनी भी वॉलकिरी है उन लोगों का चांसेस ज़्यादा रहता है कि वो लोग अंदर ही आएंगे। और वॉलकिरी जैसे ही आप लोगों की अंदर आ जाए तो वहाँ पर आप लोग रेज स्पेल बढ़िया से डिप्लॉय कर दीजिए, और वॉलकिरी को अगर रेज स्पेल मिल जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा नाच नाच कर सभी लोगों को मारती है। और क्लैन कास्टर का ट्रूप जैसे ही निकले उसके ऊपर आप लोगों को पॉइजन स्पेल को डिप्लॉय कर देना है, और फिर अगर पॉइजन स्पेल से भी काम नहीं चल पा रहा है, यानी कि अपोनेंट की क्वीन और फिर क्लैन कास्टर का ट्रूप दोनों एक साथ आ चुके हैं, तो वहाँ पर आप लोग फ्रीज स्पेल को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों को सिचुएशन पर जब अटैक करने लगते हैं तो वहाँ पर समझ में आएगा, जब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए तो ऐसा करना पड़ता है। नहीं तो फिर अगर अपोनेंट का क्लैन कास्टर का ट्रूप बच गया तो सभी अपने ट्रूप्स को दौड़ा दौड़ा कर बहुत मारता है। और विच स्लैब तो TS-13 पर भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा ओपी है। अगर जो विच के बच्चे रहते हैं यहाँ पर छोटे छोटे कंकाल वाले, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर डालते हैं अपने जितने भी डिफेंस रहते हैं, वो लोग मार ही नहीं पाते हैं। हालांकि TS-13 पर अगर स्कैटर शॉट बच जाता है तो विच को भी छोड़ता नहीं, वो भी बहुत मारता है। स्कैटर शॉट एक ऐसे करके वैसे जब अपना वो फेंकता है वो बड़ा वाला, तो उसके बाद विच के जितने भी बच्चे रहते हैं वो उसके अंदर दब करके शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं सभी के सभी। और अगर आप लोग अभी भी देखेंगे तो यहाँ पर हमारे क्वीन की हेल्थ बची हुई है, हमारे पास हीलर भी बचा हुआ था, मतलब कि बढ़िया अगर कोई भी डिफेंस रहता तो वो भी खत्म हो जाता, और ये रहा 3 स्टार बढ़िया। अब हम लोग एक और भी हवाबाजी अटैक की स्ट्रेटजी को देख लेते हैं। इस अटैक की स्ट्रेटजी के लिए एक भाई साहब बहुत ही दिनों से कह रहे थे, तो आज ये आ गया भाई, आप जरूर देख लेना। इस अटैक में हम लोगों को अपने क्लैन कैसल में मैक्स लावा हाउंड को लेकर के जाना है, और फिर फ्रीज स्पेल को। यहाँ पर हम लोग दो अपने बेबी ड्रैगन और फिर बहुत सारे मिनियन और आर्चर को भी लिए हुए हैं, जिससे कि हम लोगों को टाइम का पंगा बिल्कुल भी न पड़े और बढ़िया से 3 स्टार जाए। अब इसके बाद आप लोगों को मैक्स लावा हाउंड जो लेकर के आप लोग जा रहे हैं उसको अकेले छोड़ना है, और फिर जो अपने तरफ से 3 लावा हाउंड आप लेकर के जा रहे हैं उन सभी को एक साथ में, यानी कि उन सभी लोगों को पास पास में रखना है। और फिर इस अटैक में आप लोगों को सबसे पहले अपने हेस्ट स्पेल को यूज़ करना है, और हेस्ट स्पेल को बहुत ही ज़्यादा दूर पर न डिप्लॉय कर दीजिए कि वहाँ तक पता चला लून पहुँचते पहुँचते आधा मर गए हम लोगों के लून। ऐसी जगह पर डिप्लॉय करिए जहाँ पर थोड़ा हम लोगों का डिफेंस भी रहे और फिर वो सभी के सभी उसके रेंज में भी आ जाए। फिर हेस्ट स्पेल को डिप्लॉय करने के बाद ही आप लोग अपने रेज स्पेल को डिप्लॉय करिए। ये वाली जो अटैक की स्ट्रेटजी है हम लोगों की, ये थोड़ी सी ट्रिपिकल है, थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन अगर इसको कोई भी एक बार सीख जाता है तो किसी का भी बेस रहे, कैसा भी बेस रहे, उसको आप लोग आसानी से फोड़ सकते हैं। और अगर आप लोग इस अटैक की स्ट्रेटजी को देखेंगे तो जितने भी टॉप पुशर्स रहते हैं वो लोग भी यूज़ करते हैं। इवन इस टाइम जो अभी ग्लोबल के नंबर 1 पर बंदा बैठा हुआ है वो भी इसी अटैक की स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं। यानी कि ये वाली जो अटैक की स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी हम लोगों की हार्ड है, लेकिन अगर एक बार इस अटैक को आप लोग सीख जाते हैं तो किसी का भी बेस रहे, कैसा भी बेस रहे, आसानी से हर एक टाउन हॉल के बंदे फोड़ सकते हैं। अब इसको इतना भी ज़्यादा पावरफुल ना समझिएगा आप लोग कि टाउन हॉल 9 से हम लोग टाउन हॉल 13 फोड़ देंगे, या फिर टाउन हॉल 11 से मैक्स टाउन हॉल 13 को फोड़ देंगे, इतना भी नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ओपी है ये। आप अपने ही लेवल के टाउन हॉल के किसी भी बंदे के किसी के भी बेस को फोड़ सकते हैं ये वाली अटैक की स्ट्रेटजी में, इतना ज़्यादा पावर है।
तो ये बेस भी हम लोगों का बढ़िया से गया 3 स्टार, अब इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ पर डिफेंस देखा जाए तो कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अब कलेक्टर्स बचे हुए हैं। तो ये हवाबाजी अटैक की स्ट्रेटजी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब हम लोग एक फिर से ग्राउंड अटैक को देखते हैं। तो गड्ढा अटैक की स्ट्रेटजी में यानी कि ग्राउंड अटैक की स्ट्रेटजी में अपना जो हग्गू कालिया यानी कि हॉक जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसको बहुत लोग यूज़ भी करते होंगे। और ये वाली जो अटैक की स्ट्रेटजी है वो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। हग्गू कालिया का अटैक भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ओपी जाता है। अगर वॉर या फिर CWL में हम लोग थोड़ा सा भी अच्छा इससे बढ़िया से अटैक सीख लेते हैं तो कैसा भी बेस रहे, उल्टा बेस रहे, सीधा बेस रहे, नाचता बेस रहे, घूमता बेस रहे, हर एक बेस को बढ़िया से फोड़ते हैं। बस इस अटैक की स्ट्रेटजी में हम लोगों को करना क्या रहता है कि अपोनेंट की क्वीन को डाउन करना रहता है और जो क्लैन कैसल का ट्रूप है वो भी डाउन हो जाए तो और भी ज़्यादा मजा आता है। बस इतना होने के बाद आप लोगों को अपना हग्गू कालिया का अटैक स्टार्ट कर देना रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपोनेंट की क्वीन ऑफ ए क्लैन कैसल का ट्रूप निकल चुका है तो वो तो खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग अपना हग्गू कालिया का अटैक स्टार्ट कर दिए हैं। और कभी भी आप लोग अपने हग्गू कालिया को एक ही जगह पर नहीं छोड़िए, थोड़ा सा हम लोगों को उसको सर्जिकली छोड़ना है, जैसे कि अपने लून को फैला करके छोड़ते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अब इतना भी ज़्यादा फैला नहीं देना है कि पूरा आर्चर और बारबेरियन का जैसे अटैक करते हैं वैसा वाला नहीं, थोड़ा सा बस सिर्फ दूर दूर रखना है। और ये वाली अटैक की स्ट्रेटजी में कोई भी रोक नहीं सकता है चाहे कैसा भी बेस रहे। इसमें तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया कभी स्वैग भी चला जाता है, कभी कभी मान लीजिए हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है किसी से, सभी से हो जाती है, तो स्वैग कभी कभी नहीं भी जा पाता है। मुझे तो भाई साहब ये वाली जो अटैक है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि किसी के भी बेस को कैसा भी फोड़ो और फिर उसके साथ स्वैग भी बढ़िया से दे दो तो अलग ही मजा आता है। क्योंकि अटैक तो सभी करते हैं लेकिन स्वैग देने में जो मजा है वो अलग ही मजा रहता है। और फिर यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हो इतना अच्छा हम लोगों का अटैक चला गया, हमारे पास हीलिंग स्पेल अभी भी बचा हुआ है। तो यही सारी स्ट्रेटजी को आप लोग फॉलो कर सकते हैं अपने टाउन हॉल 9 के लिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार अपने 12 15 20 25 30 35 40 45 उंगलियों के साथ सब्सक्राइब कर देना है और जो साइड में एक घंटे का बटन है उसको दबाना न भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, चलिए चलता हूँ, बाय बाय, मिलते हैं हम सभी लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैन और फोड़ते रहिए सभी का बेस।